सर ये मुझे लग रहा है भाई हमारे विनोद भाई हैं। अरे भाई, अरे भैया देखिए, हाय कैसे नहीं पहचाने भैया, थी फेमस। मैं तो बिलाई से हूँ भाई, बिलाई से। तो एक चैनल देखता हूँ, अच्छा लगी से मिल के। एक बार मिले रहे मोर मैदान भाई के, में शादी में का। हाँ मोर मैदान के शादी में एंट्री गेट जगह मिले रहे ना माना। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल देवटर व्लॉग्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूँ सिख सेंटर जयंती स्टेडियम ग्राउंड, और आप सबको पता है कि यहाँ हो रहा है शिव महापुराण, जो कि 25 तारीख से है, यानी कल से शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं इस शिव महापुराण का था, कल से है, और यहाँ काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आकर अपने जगह के लिए पहले से बैठ गए हैं। और चलिए आपको दिखाता हूँ कैसा माहौल है, कैसी तैयारियाँ हो रही है। और पंडित इंदिरा जी आ जाने वाले हैं, 7 बजे लगभग लैंडिंग होने वाली है। हमारे भैया जी लोग वहाँ पहुँच चुके हैं लाने के लिए, माना एयरपोर्ट चले गए हैं। तो चलिए आपको मैं यहाँ का माहौल दिखाता हूँ, किस प्रकार से यहाँ का माहौल है और क्या क्या हो रहा है अभी। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर पंडाल सच के तैयार है, और देख सकते हो आप इतना बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही, तो ऐसा लग रहा है कि जगह भी छोटा हो जाएगा। और जब शुरू नहीं हुआ तो ऐसा लगा था काफ़ी जगह इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और देखिए हम यहाँ पर अभी जयंती स्टैंड ग्राउंड के बगल में हैं, और यहाँ पर हमारे भाई लोग यहाँ पर भी जाली वगैरह लगा रहे हैं, तार वगैरह। ये देखिए तार वगैरह लगा रहे हैं, और पीछे का गेट रहेगा, इस तरफ से आएंगे। देख काफ़ी लोग इधर से भी आ रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ वहाँ अंदर से हम लोग एंट्री लेते हैं, और कैसा माहौल आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कल की तैयारियों का। और आपको मैं बगल में भी दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों वहाँ से पूरा स्टॉल लग रहा है खाने के लिए। ये देखिए पूरा, देखिए, और देखिए मौसम भी थोड़ा सा डाउन है, कभी भी किसी वक्त तूफान और बारिश हो सकती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा माहौल है अंदर का, और इधर भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए अभी भी पंडाल रेडी हो रहे हैं, लगभग 90% काम हो चुका है, कुछ काम बचा हुआ है, काम युद्ध स्तर पे है, पूरा करने में लगे हैं मजदूर भाई लोग और आयोजक समिति के लोग। आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए अंदर बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसा माहौल है। ये देखिए कुछ इस तरह से माहौल है, ये देखिए, और यहाँ से पंडाल वगैरह पूरा तैयार है। और देखिए नीचे में कारपेट वगैरह भी लग गया है, और काफ़ी सारे लोग दोस्तों दूर दूर से आ गए, छत्तीसगढ़ से तो लोग हैं, भिलाई से लोग हैं ही, अगल बगल MP से आए हुए हैं, बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर तिलक लगा रहे हैं माथे पे, और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए माथे पे लगा रहे हैं, निशुल्क है, स्वेच्छा से पैसा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए लग गया है, देखिए भाई हमारे। और देखिए दोस्तों हमने भी यहाँ पर देखिए पीले कलर का लगा लिया है, और शिव जी की तिलक लगा लिए है, मैंने फर्स्ट टाइम लगाया, कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट्स करके। चलिए आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से अंदर का माहौल कैसा है। घर भी देखिए अभी भी काफ़ी सारे पंडाल सज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो चलिए आपको अंदर दिखाता हूँ मैं कैसा माहौल है। देखिए यहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों दूर दराज से काफ़ी लोग आ गए हैं, अपना पूरा बोरिया बिस्तर 7 दिन के लिए पैक करके, पूरा यहीं खाना रहना सोना हर चीज़ यहीं होगा, क्योंकि मालूम है पंडित मिश्रा जी अंतर्राष्ट्रीय शिव कथा वाचक हैं, जो कि काफ़ी फेमस हुए हैं, और इसीलिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं उनके दर्शन, उनकी कथा का आनंद उठाने के लिए। देखिए लोग कहाँ कहाँ से आए दोस्तों, किस प्रकार से बैठे हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं। इधर भी देखिए, और इधर भी देखिए किस प्रकार से लोग आए हैं, कैसा माहौल है। और दोस्तों काफ़ी सारे व्लॉगर भी आए हैं, और जो व्लॉगर नहीं है वो भी नए नए व्लॉगर बन रहे हैं। देखिए ऐसा माहौल है, ये देखिए काफ़ी दूर दूर से आए हैं, बोरिया बिस्तर बांध के पूरा, अभी कुछ लोग यहाँ सोए हुए भी हैं, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों लाइट शुरू हो गई है, काफ़ी खूबसूरत पंडाल सजाया गया, देखिए काफ़ी खूबसूरत पंडाल। बढ़ते हैं आगे, और आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से लोग यहाँ अपने जगह के लिए पहले से बैठ गए हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जगह पुगराना, मतलब पहले से अपने जगह के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि मालूम है अब कल से कथा स्टार्ट हो जाएगी 1 से 4 बजे के बीच, तो फिर जगह नहीं मिलेगी, लोगों का हुजूम भीड़ और बढ़ते जाएगा, इसलिए सब पहले से आ गए हैं अपने जगह के लिए। आपको दिखाता हूँ मैं, तो देखिए लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ का माहौल है, हर लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, देखिए ज़बरदस्त नज़ारा है, ये देखिए। यहाँ पर गेट फिलहाल बंद है, अब उधर का दृश्य दिखाने के लिए हमको उधर से जाना पड़ेगा।
और यहाँ पर देखिए हमारे भाई लोग यहाँ पर बहुत बड़ा LED स्क्रीन तैयार कर रहे हैं ताकि दूर से लोगों को पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यहाँ पर प्रवचन सुनाई दे सके और देख सके। देखिए तैयारी हो रही है, LED लगा रहे हैं बहुत बड़ा। ये देखिए काम किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर स्क्रीन लगाए जा रहे हैं ये देखिए, ताकि दूर से लोगों को पंडित जी का कार्यक्रम आसानी से दिख सके। तो चलिए दोस्तों इधर भी दिखाते हैं किस प्रकार से इधर तैयारियां हो रही है। इधर भी लग रहा है देखिए, यहाँ अभी भी टेंट की तैयारियां हो रही है। थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। इधर भी देखिए किस प्रकार से तैयारियाँ जोरों पर है, युद्ध स्तर पर है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए और एक LED स्क्रीन वहाँ पर भी लगाया जा रहा है, देखिए वहाँ पर ये देखिए। और देखिए एक इधर राउंड शेप में भी इधर पंडाल सजाया गया है, एक राउंड शेप में इधर सजाया गया और दूसरा उधर भी बनाया गया है, और बीच में थोड़ा सा त्रिभुजाकार में बनाया गया है जो सेंटर में है ये देखिए। और लोग धीरे से आ रहे हैं, अभी से थोड़ा सा माहौल का जायज़ा ले रहे हैं कि कल कैसे आएंगे, किस प्रकार से गेट रहेगा, कैसा क्या है। ये देखिए सभी आ रहे हैं यहीं से ये देखिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा माहौल है। ये देखिए ये गेट है एंट्री द्वार से, अभी हम लोग उधर से आए थे, यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ लोग बना रहे हैं, अभी भी देखिए उस वहाँ स्टेज पे थर्मोकॉल का काम अभी भी जोरों से है, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, पूरा करने के लिए सब रेडी हैं। और दोस्तों यहाँ से एक पीछे उधर से भी रास्ता है, तो अपन तो उधर से आए, अभी चलिए आपको यहाँ अंदर जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों उधर भी चारों तरफ से जाली लगाया जा रहा है ताकि कोई असामाजिक तत्व, कुत्ते गाय वगैरह अंदर आसानी से ना घुस पाए और दर्शकों को कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर भी देखिए काम पूरा हो रहा है, तो चलिए इधर अंदर चलते हैं। देखिए दोस्तों अभी तो हम लोग इधर अंदर आ गए हैं, क्योंकि आज तो थोड़ा सा समझो थोड़ा छूट है, कार्यक्रम कल से स्टार्ट होगा और पता नहीं कल कैसा माहौल रहेगा, यहाँ तक आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहा है लोगों की और भीड़ बढ़ते जा रही है। ये देखिए यहाँ पर गद्दे वगैरह भी लगे हैं, और देखिए वहाँ पर स्टेज है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर देख रहे हैं, कल पता नहीं पास में जा पाए कि नहीं। ये देखिए गद्दे लगे हुए बैठने के लिए, और ये पीछे वाला गेट है, सब इधर से ही आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक और LCD स्क्रीन लगा हुआ है, तो इधर चलते हैं और दिखाते हैं कैसा माहौल है इधर का। ये देखिए स्टेज में यहाँ पर पेंटिंग का काम अभी जोरों से है, ये देखिए। दोस्तों क्या बड़े बड़े बॉक्स हैं, सब एम्पलीफायर वगैरह हैं पूरे साउंड सिस्टम के लिए, और उधर भी तैयारियां हो रही, चलिए आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ तैयारियां जोरों पे है, और देखिए पंडाल बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पर कल कलश यात्रा के मटके रखे हुए हैं। ये देखिए स्टेज दोस्तों, और यहाँ देखिए किस प्रकार से थर्मोकोल से बनाया जा रहा है, तैयारियाँ हो रही है देखिए। और देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है जबरदस्त, ये देखिए थर्मोकोल की कटिंग से बना रहे हैं, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, काफी जबरदस्त माहौल है। ये देखिए पेंटिंग वगैरह हो रहा है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, थर्मोकोल की कटिंग से बनाया जा रहा है, पेंटिंग हो रही है। और ये देखिए दोस्तों इधर का माहौल देखिए, क्या जबरदस्त माहौल है। ये देखिए साउंड सिस्टम, ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर मंडप सजाया गया, देखिए पंडाल। और ये देखिए ये है फर्स्ट रो का पंक्ति, तो चलिए यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसा माहौल है। ये देखिए काफ़ी सारे शूट कर रहे हैं व्लॉगर लोग, और देखिए यहाँ फ्रंट रो है VIP के लिए, फर्स्ट एंट्री है गेट के लिए। ये देखिए और चलिए चलते हैं, और भाई लोग बना रहे हैं, और यहाँ पर हमारे भाई लोग और हैं। अच्छा ये मुझे लग रहा है भाई हमारे विनोद भाई हैं। अरे भाई ये देखिए, हाय
कैसे नहीं पहचाने भैया, थी फेमस। मैं तो भिलाई से हूँ भाई, एक चैनल देखता हूँ। बस बस बस, देव होटल, देवेंद्र कुमार, देव होटल लॉक्स। अच्छा देख सकते हो भैया, बिल्कुल फॉलो कर दो चैनल, देखा रहता हूँ भाई, तुला कोई नहीं पहचानी भाई, सब जानते। बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर दो, एक चैनल है, मोरो चैनल है घलोक। तुर कौन चैनल है भाई? इंद्र कुमार ब्लॉग करके। अच्छा इंद्र कुमार ब्लॉग, आप कहाँ से? आप भी यहीं से? खैरागढ़ से। अच्छा खैरागढ़ से, आप लोग भी देखे हो लगा था मोला। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लगी से मिल के। एक बार मिले रहे मोर मैदान भाई के, में शादी में का। हाँ मोर मैदान के शादी में एंट्री गेट जगह मिले रहे माना। अच्छा ठीक ठीक। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर पंडाल रेडी हो चुका है और लोग लगे हैं, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। अब देखते हैं कल तक काम होगा पूरा कि नहीं, चलकर आपको फिर आगे की वीडियो दिखाता हूँ। और स्टेज के बाहर ये फर्स्ट रो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए गद्दा वगैरह लगा हुआ है, पूरा माहौल देखिए। यहाँ पर पता नहीं किसकी किस्मत रहेगी, कौन बैठ पाएगा, हमें तो पता नहीं। और आज तो हम यहाँ नज़र आ रहे हैं, कल तो और समझ नहीं आएगा। अरे देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग देखिए अभी वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं कि कल शायद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये देखिए लोगों का हुजूम, पूरे चारों तरफ वीडियो बना रहे हैं। और काम वाले भाई तो उधर भी देखिए काफ़ी सारे चेयर वगैरह लगे। ये देखिए तो माहौल देखिए ज़बरदस्त माहौल है। ये देखिए दोस्तों अभी स्टेज के पास में पूरी तैयारियां हो रही है, देखिए किस प्रकार से यहाँ काम चल रहा है जोरों पे। ये देखिए क्योंकि कल तो कल के बाद इतना पास से आगे आपको दिखा रहा मुश्किल होगा। ये देखिए और देखिए दोस्तों पंडाल में धीरे धीरे माहौल बनना भी चालू हो गया, महिलाओं द्वारा यहाँ पर सेवा गीत भजन गाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सेवा भजन गाया जा रहा है और एक भजन वहाँ पर भी चल रहा है, वहाँ पर गाता हूँ आपको। ये देखिए तो अच्छा उपाय है भजन करने का और साथ में टाइम पास करने का और माहौल बनाने का भी। देखिए क्या जबरदस्त माहौल है। तो ये था सिख सेंटर जयंती स्टेडियम का शिव महापुराण कथा की तैयारियों का जायजा और लोग काफ़ी आए हैं। तो दोस्तों आप भी लेट मत कीजिए, बहुत जल्दी आइए क्योंकि यहाँ धीरे धीरे जगह फुल होते जा रहा है, बाद में आप नहीं आ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।